अपने पास दोस्तों जो कॉकरेल का मुर्गा था उसको हमने सेल करना स्टार्ट कर दी है। मुर्गा का वजन कितना आया है, अभी क्या रेट चल रहे हैं, मुर्गा क्या रेट में सेल हो रहा है, अभी तक बच्चे ने टोटल कितना दाना खाया है, कितने दिन का मुर्गा हो रहा है, सब कुछ बताऊंगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहना। जो भी भाई चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, इस फॉर्म में दोस्तों जो सामने के फार्म में जो मुर्गा था इसको हमने पूरा सेल कर दिए हैं। इसमें दोस्तों इस साइड के फॉर्म में टोटल मुर्गा निकला है 700 दोस्तों, 60 मुर्गा के आसपास निकला है, मतलब 750 बच्चा के आसपास निकला है। मॉर्लिटी काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। तो बाकी दोस्तों अभी इसमें 15 से 20 बच्चा मुर्गा का जो है मुर्गा दोस्तों बचा हुआ है, बाकी मुर्गा सेल हो चुका है, ये भी दोस्तों आज सेल हो जाएगा। बाकी जो हमारा आधा मुर्गा है दोस्तों उस साइड जो कि अभी सेल करना स्टार्ट कर दिए हैं, और आज एक कॉकरेल का मुर्गा हो रहा है दोस्तों 75 दिन का। 75 दिन में मैं यदि इसकी वेट की बात करूं तो दोस्तों इसका वेट आ चुका है 950 ग्राम एवरेज। यदि हम बड़ा से बड़ा दोस्तों यदि हम मुर्गा यदि हम किसी कस्टमर को दें तो दोस्तों 1 kg का एवरेज आराम से आ जा रहा है। अभी दोस्तों रेट चल रहे हैं 175 रुपये 2-3 दिन पहले के, लेकिन आज की जो मंडी है दोस्तों कम हो चुकी है, मंडी हो गई है दोस्तों 172 रुपये की। और सावन के पहले मंडी दोस्तों डाउन होते जाएगी, क्योंकि सावन के पहले सेल दोस्तों बढ़ेगा ज़रूर, लेकिन जिस किसी भी फार्मर भाई के पास मुर्गा होगा वो दोस्तों मुर्गे को सेल करने की जल्दी से जल्दी कोशिश करेगा, इसके लिए दोस्तों रेट गिरेंगे। क्योंकि सावन में दोस्तों यदि जिस भी फार्मर के पास मुर्गा फंस गया दोस्तों काफ़ी लंबा टाइम तक मुर्गे को पालना पड़ता है। समझ लीजिए कि यदि अपने पास एक कॉकरेल का मुर्गा रह गया 1 महीना तक तो उसका वेट दोस्तों 1.5 kg पार हो जाएगा। दोस्तों मुर्गे का जो FCR है पूरी तरीके से बिगड़ जाएगा, तो हमें इनकम जो प्रॉफिट है वो दोस्तों नहीं होगी जो प्रॉफिट होना था। इसीलिए दोस्तों कोई भी फार्मर सावन में मुर्गा नहीं रखता, इसके लिए हम भी इसको अभी 5 से 6 दिन का टाइम है सावन लगने के पहले, जो भी दोस्तों रेट रहे हम मुर्गे को सेल कर देंगे, मुर्गे को नहीं रोकना है फार्म में। और अभी तक टोटल मैं दाना की बात करूं दोस्तों दोनों फार्म में बच्चे ने लगभग दाना 100 बैग के लगभग दाना खा लिया है दोस्तों, अभी मैंने उतना हिसाब तो नहीं करा हूँ। मुर्गे का दोस्तों FCR भी अच्छा आ रहा है, वजन वगैरह। यदि दोस्तों हमारा मुर्गा स्टार्टिंग में मरता नहीं, समझ लीजिए कि जब मुर्गे में जब प्रॉब्लम आई गंभीरों की, तो दोस्तों हमें अच्छा खासा प्रॉफिट होता, लेकिन दोस्तों फिर भी उम्मीद है कि हमें प्रॉफिट होएगा, नुकसान तो नहीं होगा इस रेट में भी। यदि हम दोस्तों मुर्गे को 150 रुपये kg में भी सेल करते हैं तो हमें दोस्तों 2 रुपये का प्रॉफिट होगा। और अभी दोस्तों सावन के पहले मुर्गे को सेल कर देना है। तो ये थी आज की छोटी सी जानकारी। बाकी दोस्तों मैं आपको बता दूँ, सावन में दोस्तों रेट डाउन भी हो सकते हैं या बढ़ भी सकते हैं, लेकिन दोस्तों मुझे लग रहा है कि सावन में इस बार जो रेट है अच्छे रहने वाले, मतलब रहने वाले का मतलब एवरेज रेट दोस्तों रहेगा, मतलब मंडी एकदम से डाउन नहीं होती, 150 के प्लस ही रहेगा कॉकरेल का रेट। जैसे कि अभी दोस्तों मंडी कभी कम कभी ज़्यादा होते रही, अभी दोस्तों एक दिन क्या हुआ था 175 रुपये रेट था, उसके बाद दोस्तों एकदम से रेट बढ़ गए थे 180 रुपये हो गए थे, फिर दोस्तों एकदम से रेट माइनस हो गए, मतलब मार्केट दोस्तों कब उछाल मार दे कब माइनस कर दे कुछ कह नहीं सकते कॉकरेल का। तो ये थी आज की छोटी सी जानकारी, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गई होगी कॉकरेल फार्मिंग। तो जिस किसी भी भाई को कॉकरेल की पोल्ट्री फार्मिंग करना है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और काफ़ी सारे भाइयों के कमेंट आते हैं कि कॉकरेल का मुर्गा को आप सेल कहाँ करते हो। देखिए दोस्तों कॉकरेल के मुर्गे की डिमांड बहुत रहती है, आप किस क्षेत्र में फार्मिंग करते हो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। बाकी दोस्तों हम MP से फार्मिंग करते हैं, और MP से दोस्तों हमारा MP में भी सेल होता है, बाकी महाराष्ट्र में भी होता है। महाराष्ट्र में दोस्तों काफ़ी ज़्यादा कॉकरेल की डिमांड रहती है, इसके लिए दोस्तों हमारा आधा से ज़्यादा माल जब हमारे पास लॉट बड़ी रहती है 3 से 4 हज़ार की, तो आधा से ज़्यादा हमारा दोस्तों मुर्गा महाराष्ट्र जाता है। तो ये थी आज की छोटी सी जानकारी। जिस किसी भी भाई को कॉकरेल पोल्ट्री फार्मिंग सीखनी है चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।